नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का जब आप चार्ट देखोगे आपको तकलीफ समझ में आएगी कि भारतीय रुपया फिर से 80 के करीब पहुंच गया है, यानी कि एक डॉलर के सामने 80 रुपया अब लड़ाई करने में सक्षम है। ठीक है, क्लोजिंग 79.96 पे हुई है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने आज जो लो मारा है वो 80.1 से ऊपर है। ठीक है, और ये चीज़ आईटी स्टॉक्स के लिए एक बेहद पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन फिर भी आईटी स्टॉक्स क्रैश क्यों किए हैं? अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा जैसा स्टॉक आज क्लोजिंग 4.5% नीचे दिया है, एक समय तो ये 5% के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। मैं आपको इस बात पे समझाऊंगा, ये बात का डिस्कशन करूंगा। पहले बाज़ार की बात कर लेते हैं। चार्ट देखिए निफ्टी का, कितनी बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के अंदर कुछ तकलीफ भी है। वो तकलीफ ये है कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है लगभग 220 पॉइंट नीचे। ठीक है, अब 220 पॉइंट नीचे बंद होना कोई बुरी बात है नहीं, इतना हमें बंद होना चाहिए था। और एक बात मैंने आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में बताई थी कि इससे भी नीचे हम खुलेंगे, और उस वक्त ये प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ नैसडैक को देख करके, डाउ को देख करके ये प्रिडिक्शन किया था। उसी को रिलेशन में रख करके हमने आपके लिए लेवल्स निकाले थे, लेकिन उससे भी नीचे बाज़ार चली गई। एक ही लेवल काम आया आज बाज़ार के सामने, और उस लेवल ने कितना कमाल किया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी आप जाकर के देखो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जो भी लोग यूज़ करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेट मिली होगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म। उसके बाद जो आपका बहुत ही आसान इंडिकेटर है जिसको आप सुपर ट्रेंड के नाम से जानते हो, वो भी आपको लेट ट्रेड दिया होगा। लेकिन निफ्टीडर सेटअप बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। उसने आपको यहाँ का टारगेट सेट करने के लिए बोला, और बहुत ही आसान था यहाँ का टारगेट सेट करना। यहाँ का टारगेट सेट करने का मतलब क्या है, इससे जस्ट पहले भी आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, चाहे तो आप यहाँ पर बुक कर लेते, चाहे आप इसके लिए थोड़ा सा, मतलब इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना। आपको जस्ट ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये जो लाइन खींची, ये आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में बताई गई थी, इससे पहले प्रॉफिट बुक करना था। और ये देखिए किस लाइन को बाज़ार ने कितना बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया है। काफ़ी टाइम इसको बाज़ार ने सम्मान दिया, कई बार सम्मान दिया है, और काफ़ी समय वहाँ पर गुजारा है बाज़ार ने। आप सिंपली देख सकते हो, 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल्स हमारे लिए कोई लेवल्स नहीं थे। हमारा सबसे निचला लेवल यही था, इसके नीचे हमारे लिए कोई लेवल अवेलेबल नहीं थे। हमको अपने निफ्टीडर सेटअप पर भरोसा करना था, और जिन लोगों ने भी भरोसा किया उनको इसने क्या बोला कि भाई साहब आप 17300 की कॉल खरीदो। जी हाँ, कॉल खरीदो, और बहुत ही आसान तरीके से। मतलब ये मोमेंटम आने से पहले पूरा का पूरा 300 पे आप कॉल खरीद, 350 पे आपको कॉल खरीदने की सलाह मिली, और इसने थोड़ी ही देर में 400 का हाई मार दिया, यानी कि 50 रुपये का मोमेंटम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए हमको बाज़ार में। अब जब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए तो ऐसी बाज़ार में तो पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। नहीं, ऐसे दिनों के लिए इंतज़ार करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हमको लगता है यार हम गड़बड़ी कर रहे हैं इंतज़ार करके। देखिए, आज वोलाटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा है। मेरे हिसाब से नहीं भागना चाहिए, हम नीचे खुले तो, लेकिन आराम से बाज़ार ऊपर गई, ऊपर के लेवल पर स्टेबल है। तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ हमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इंडेक्स अपना कारनामा अलग ही लेवल पर करके दिखाता है। करने दीजिए, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ईमानदारी से ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आज पैसा कमाना क्या कठिन था, आप सच बताइए। हमारी बाज़ार इतनी नीचे खुली, वहाँ पर आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिला, और क्या चाहिए। पहली बात तो कंफर्ट यहाँ से आ रहा है, हम सस्ता खरीद रहे हैं, उसके बाद हमको बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, आसान सा हमको टारगेट भी लगाने को मिल रहा है, और ये सब पॉसिबल हो पाता है जब आप किसी सेटअप पर ट्रेड करते हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको निफ्टीडर सेटअप नहीं ज्वाइन करना, मत ज्वाइन कीजिए। आप खुद का भी तो बना सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के दोस्त कहीं भी पैसा नहीं मिलता है, ये तो आप जानते हो। बस इग्नोर करते जाओ इस बात को, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटी स्टॉक्स की। ठीक है, ज़्यादा बातें करेंगे रात वाली वीडियो में लेवल्स वगैरह की। टेक महिंद्रा आज 4.5% नीचे है। इवन TCS आप देखिए 3% नीचे, मतलब क्या ही कहें, 2.5% नीचे TCS क्लोज किया है। इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट, वाओ, 4% नीचे। अपॉर्चुनिटी है दोस्त, अपॉर्चुनिटी है। अब पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि डॉलर में इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका डॉलर में आता है, ये तो डायरेक्ट इनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है रुपए के सामने। इन कंपनियों के लिए अच्छी बात है, बेहद पॉजिटिव बात है। इसीलिए आप, मतलब होता है ना कि तकलीफ़ में आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखाई दे रही है, आप वो तलाशने की कोशिश कीजिए। तकलीफ़ तो है, तकलीफ़ क्या है कि नैसडक इंडेक्स इतना भयंकर तरीके से गिरा था कि ये भी स्टॉक तो गिरना इनका लाजमी है। लेकिन उस गिरावट में हमारे लिए कुछ अच्छी बात भी है। अच्छी बात है डॉलर का मजबूत होना, और वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमको यहाँ पर ग्रैब करनी है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वाली वीडियो में भी मैंने ये बात आपसे शेयर की है कि क्यों आपको आईटी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। हाँ, बातें आपसे कही जा रही हैं कि आईटी स्टॉक्स को ऊपर के लेवल पर बेच दो,
तो जिन लोगों ने भी वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है, समझी है, वो अपना डेटा एनालिसिस शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी पे, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, निफ्टी बैंक परसेंटेज टर्म्स में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था निफ्टी से, देखते हैं कल क्या होता है, मैं कल की बाज़ार वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, रात में आएगी। इंडेक्सेस की अगर बात करें तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 मात्र 0.5% नीचे है, और यहाँ पर कोलगेट भाई साहब 4% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 3% ऊपर, जुबिलेंट फूड 2%, हैबल्स 1.5%, ल्यूपिन 1.5%, तकलीफ कहीं दिख रही है नहीं। स्टॉक्स देखिए, जोमेटो आज 4% नीचे, LTI L&T इन्फोटेक 4% नीचे, पेटीएम LTI ऐसे समझ में आता है, कहीं LIC तो नहीं, खैर जाने दीजिए। आज जो हैवी वेट्स थे उसने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को बचाया, लेकिन निफ्टी जो मिड कैप है वो भी निफ्टी के बराबर ही कमजोरी दिखा रही थी। आज सोचिए रिलायंस फ्लैट ट्रेड किया है, उसके बावजूद भी निफ्टी 1.40% नीचे है। बैंकों में तकलीफ थी और ये तकलीफ आना लाजमी है, ढाऊ 1000 पॉइंट नीचे गिरा था। तो ओवरऑल हमारे लिए दिन कैसा गया दोस्त, मैं तो कहूँगा, मैं यही बात आपसे कहूँगा कि इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था। मैंने आपको ये बात कल भी कही थी कि अगर हम 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाएं तो वो कोई ऐसा नहीं होगा, ताज्जुब आपको होना चाहिए, लेकिन वहाँ से रिकवरी आना, ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेशन में, मतलब वो फील आता है यार, पुट कॉल रेशियो कितने फेवर में हो गया था। और जब होता है ना कि जब हम एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें कभी कभी फेवर में नहीं जाती हैं, लेकिन इस बार गई थी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। लोगों के पास अगर आलतू फालतू पोजीशन होती तो वो बाज़ार को ऊपर आने नहीं देते, उन्हें बहुत तकलीफ हो जाती, वो हर जगह एग्जिट करने के बारे में सोचते, अच्छी बात यही रही हमारे लिए। अब देखते हैं आज अमेरिका में कैसे ट्रेड होता है और वहीं से हम संकेत लेंगे कल की ओपनिंग के, और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो आपको बताएंगे रात वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, पसंद आई तो लाइक कर देना, नमस्कार।